ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जैसा मैंने भी बताया कि हमारे पास रियल डेटा बहुत ज़्यादा होता है और उसमें हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि वी जस्ट कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी फॉर ईच स्कोर फॉर एग्जांपल अगर आपने 300 डेटा कलेक्ट किया है 300 हंड्रेड पार्टिसिपेंट्स से फॉर योर थीसीज और फॉर योर रिसर्च तो उसमें पॉसिबल नहीं कि आप हर एक की फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करें सो so यूजली हम उसको ग्रुप कर लेते हैं जिसका मतलब है कि हम उसमें क्लासेज बना लेते हैं सो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने डेटा में रेंज पता हो क्यों क्योंकि आपने अपने डेटा में स्कोर्स की क्लासेस बनानी है यानी ग्रुपिंग करनी है तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास डेटा है तो मैं पहले उसकी रेंज निकालूंगी विल हाइस्ट स्कोर कितना डेटा के अंदर आ रहा है और लोएस्ट स्कोर कितना आ रहा है सो दैट विल गिव मी सम इंडिकेशन कि डेटा में कितना स्प्रेड है कितना डिस्पर्शन है फॉर एग्जाम्पल जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल की है और उसमें वन से लेके फाइव तक वैल्यूज थी तो वन से फाइव का मतलब है कि फाइव माइनस वन विच इज़ फोर प्लस वन सो फाइव का ऑलमोस्ट डिस्पर्शन उसके अंदर है सो uh, so, uh, हमें जब हम रेंज कैलकुलेट करते हैं दैट हेल्प्स अस एक्चुअली कि हमने कितना क्लास इंटरवल लेना है फॉर ग्रुपिंग आर डेटा आइडियली आपका जो क्लास इंटरवल है वो यूजली कितनी क्लासेस हमें कितने ग्रुप्स बनाने चाहिए ना तो हमें बहुत ज़्यादा ग्रुप्स बनाने चाहिए और ना ही बहुत कम ग्रुप्स बनाने चाहिए रूल ऑफ तमाम ये है कि अगर आपका डेटा है तो यूजली फाइव टू टेन क्लासेस के बीच अगर आप डेटा को क्लासीफाई कर दें इट इज़ ईजियर फॉर द यू नो पर्सन हु इज़ लुकिंग एट द डेटा टू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प इट एंड इट इज़ ईजियर टू प्रजेंट एज़ वेल जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक डेटा सेट है जो कि स्कोर्स हैं स्टूडेंट्स के आउट ऑफ हंड्रेड उनके स्कोरस हैं किसी भी गिवन टेस्ट के ऊपर फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टेटिस्टिक्स का ही क्लास uh, टेस्ट लिया जिसके अंदर हंड्रेड में से स्टूडेंट्स uh, की परफॉर्मेंस ये है ना इफ़ यू लुक इट द स्कोर्स केयरफुली तो यू सी के हमारे डेटा के अंदर यू हैव टू फाइंड आउट वाट इज़ द मिनिमम स्कोर एंड वॉट इज़ द मैक्म स्कोर फॉर इंस्टेंस इस डेटा के अंदर हमारी मिनिमम वैल्यू फिफ्टी थ्री है और हमारी मैक्मममम वैल्यू नाइन्टी वन है तो हम इसके अंदर हाइस्ट माइनस लोएस्ट वाला फार्मूला यूज़ करके नाइन्टी वन माइनस फिफ्टी थ्री और फिर उसमें प्लस वन एड करके वी विल कैलकुलेट कि रफली हमारी रेंज क्या है या डेटा के अंदर स्कोर्स का स्प्रेड किस तरह से है तो नाइन्टी वन माइनस फिफ्टी थ्री प्लस वन इज थर्टी नाइन तो रफली हमारा थर्टी नाइन का इंटरवल है तो उसमें हम कितनी क्लासेज बना सकते हैं तो अगर हम टू का इंटरवल रखेंगे तो मे भी हमारी ट्वेंटी क्लासेस बन जाएंगी क्योंकि आपने जीरो से स्टार्ट करना होता है यहाँ पे स्कोर फिफ्टी थ्री है ट्वेंटी वन क्लासेस बन जाएंगी अगर हम फाइव का इंटरवल रखेंगे तो हमारी क्लासेस नाइन बन जाएंगी और अगर हम टेन का इंटरवल रखेंगे आ, तो हमारी ऑलमोस्ट फाइव बन जाएंगी पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि हमारा रूल ऑफ थम ये होता है कि हम ना तो बहुत ज़्यादा ग्रुप्स बनाएं और ना ही बहुत कम बनाएं एक्चुअली वी शुड प्रेजेंट द डेटा जिसमें बाकी वो रियलिस्टिकली प्रेजेंट करें कि उससे हमें आइडिया व्यू हो कि डेटा किस तरह से है सो एज यू कैन सी कि अगर हम फाइव का इंटरवल रखेंगे इस डेटा को ग्रुप करने के लिए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो आई थिंक दिस वन इज़ ओके क्योंकि ट्वेंटी वन विल बी टू मैनी क्लासेज एंड मे बी फाइव आर टू लो क्लासेज एंड यू कैन सी के वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम क्यों क्योंकि एक्चुअल डेटा में मिनिमम स्कोर फिफ्टी थ्री था बट वी हैव started from 50 टू मेक इट लाइक अ ईज़ी टू कंप्रीहड ई ईजी टू अंडरस्टैंड काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने 50 से 54 का मतलब कि हमें 5 का इंटरवल रखा है विच मीनस 50 इज़ इंक्लूडेड 50 51 52 53 54 और हमने फिर उसमें ग्रुप्स uh, 5 के इंटरवल से बना के हर ग्रुप के अंदर uh, कितने ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं उसको हमने गिन के उसके अंदर फ्रिक्वेंसी के कॉलम में डाल दिए बिल्कुल उसी तरह

one then we have a 76 two then again 75 three and then this 78 four Iska matlab hai that yes we have four frequencies in that data set so we have written four in the frequency column so this is grouped data with a groups column and with frequency column we can similarly add a column for proportion and column for percentages in SEBI that वन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्री ग्रुप्ड फ्रिकुवेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है दैट इज के हम उसमें क्लास uh, लिमिट्स बनाते हैं क्लास लिमिट्स क्या होती हैं क्लास लिमिट्स का मतलब है जैसे हमने पहले सेकेंड लेक्चर में बात की थी कि वी कैन हैव अ डिस्क्रीट डेटा एंड वी कैन हैव अ कंटिन्यूस डेटा डिस्क्रीट डेटा मीन्स के द नंबर्स और द वैल्यूज कैन भी एक्सप्रेस्ड ओनली इन होल नंबर्स

सो so, इसमें अगर आप देखें तो हमारा डेटा को कंटीन्यूस बनाने के लिए क्योंकि हम स्कोर्स के साथ डील कर रहे हैं विच इज ए नोमरिकल काइन ऑफ डेटा और इसके अंदर स्कोर्स कंटिन्यूस हैं तो हम इसको अगर देखें तो 50 से 54 एंड देन वी जंप टू 55 फाइव टू फिफ्टी सो वी हैव टू मेक क्लास लिमिट्स जिसका मतलब हम डेटा को कंटिन्यूस कर सकते हैं क्लास लिमिट्स कैसे बनाते हैं क्लास लिमिट्स बनाने के लिए आपके पास ग्रुप के अंदर एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है फॉर एग्जाम्पल फिफ्टी और फिफ्टी फोर में फिफ्टी इज़ अ लोअर लिमिट एंड फिफ्टी फोर इज़ अ अपर लिमिट फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरवल और ग्रुप तो आप उसकी हर लिमिट में से अगर लोअर लिमिट है तो यू विल सब्ट्रैक्ट पॉइंट फाइव एंड अगर अपर लिमिट है तो यू विल एड पॉइंट फाइव सो इफ आई मेक रियल लिमिट फॉर दिस क्लास तो आई विल जू फिफ्टी में से पॉइंट फाइव माइनस करेंगे तो इट इज़ फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव और अगर फिफ्टी फोर में करेंगे, तो इट विली फोर पॉइंट फाइव सिमिलरली फिफ्टी फाइव में से अगर मैं माइनस करूंगी तो इट विली फोर पॉइंट फाइव एंड देन में अगर मैं ऐड फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव नाउ यू कैन सी द डेटा इज कंटिन फिफ्टी फोर पॉइंट एंड फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव इज अं कंटिन्यूस डेटा सो क्लास लिमिट्स ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बनानी इसलिए भी जरूरी है कि जब हम ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से like the really वेन हाँ वी कैलकुलेट अदर डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स लाइक मी इन मीडियन दिन द क्लास लिमिट्स आर रियली वेरी हेल्पफुल इसमें मैंने वही एग्जाम्पल दी हुई है कि हव वी कैलकुलेट जैसा पॉइंट फाइव माइनस और पॉइंट फाइव प्लस करते हैं लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द डेटा अगर डेटा ऑलरेडी डेसिमल्स में है तो फिर उसका क्लास लिमिट्स बनाने के लिए हम मे बी पॉइंट जीरो फाइव माइनस करें और सो so ऑन और यहाँ पे आई हैव मेड द क्लास लिमिट्स फॉर द होल डेटा ये हमारे पास ओरिजिनल डेटा था जो आपने पिछली स्लाइड में देखा है एंड आई हैव मेड द क्लास लिमिट्स फॉर दिस एंड यू कैन सी के नाउ वी हैव काइंड कंटिन्यूस डेटा बाय मेकिंग क्लास लिमिट्स फॉर द ग्रुप्स दैट वी इनिशियली मेड और बाकी सारी फ्रिक्वेंसीज और सब कुछ उसी तरह से है इस डेटा को हम फर्दर जब वी विल कैलकुलेट डिस्क्रिप्टिव सो देन इट विल बी More useful, and it will make more sense that why we need to add class limits column into grouped frequency distribution.